चलो अब मैं आप लोगों को चार नंबर के क्वेश्चन भी बता देता हूँ। तो चार नंबर के क्वेश्चन में आप लोग देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रश्न हमें देखना है चार नंबर के, ठीक है। चार नंबर के क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो ग्यारहवा जो प्रश्न है वो क्या है, भूजल नवीनीकरण के क्या उपाय करने होंगे, ठीक है। ये सभी सेटों के लिए है, सभी सेटों को मिलाकर ए बी सी, ठीक है। सभी सेटों में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। और आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन उसमें लिंक है आई एम पी क्वेश्चनों की सूची का, तो वो वीडियो बिल्कुल आपको देखना है, ठीक है। वो वीडियो में पूरा पूरा आई एम पी क्वेश्चन मैंने बहुत पहले ही तैयार कर दिया था क्योंकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो इसलिए, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ग्यारहवां प्रश्न क्या था, भूजल नवीनीकरण के क्या क्या उपाय करने होंगे। तो इसका आंसर में क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या उपाय करने हैं। तो देखो यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वर्षा का जल संचय करना प्रथम आवश्यकता है। इसी तरह से यहाँ पे देखो सड़क के दोनों किनारे पर घास की पट्टियाँ छोड़नी चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको याद करने हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। इसके बाद है सीमेंट की सड़कें बनाने पर रोक लगानी होगी। फिर है नदियों के जल में कचरा डालकर अवरोध नहीं होना होने देना चाहिए। फिर जल की स्वच्छता और शुद्धिकरण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इसके बाद इसमें अथवा प्रश्न भी है, अथवा को भी देख ले। जल संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, तो देखो क्यों माना है, तो लिखो यहाँ पे, मतलब आपको याद करने हैं। मनुष्य के दैनिक जीवन में जल का सर्वाधिक उपयोग होता है। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र में जल की नितांत आवश्यकता है। फिर है वर्षा रहित क्षेत्र में जल द्वारा सिंचाई से कृषि की जाती है। फिर वृक्षारोपण द्वारा जल को संरक्षित रखा जाता है। तो ये सब कारण है, ठीक है। तो आपको ये सब याद करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे कौन कौन से तकनीकों का उपयोग किया गया है, यहाँ पे मशीन है, तोप है, टैंक है, पनडुब्बी है और विषैली गैस है। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इसको भी आपको याद करने हैं। फिर अथवा में देखो विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव के चार प्रभाव लिखे होते हैं। देखो चार प्रभाव आपको लिखना है यहाँ पे है, ठीक है। इन चारों प्रभाव को याद करना है आपको। फिर अगला प्रश्न देखो, सरकार के ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो गरीबी कम करने से सीधे जुड़े हुए हैं। तो गरीबी कम करने से सीधे जुड़े हुए, देखो यहाँ पे क्या क्या लिखना है, यहाँ पे देख सकते हो औद्योगिकरण से कौन कौन से फायदे। अथवा में ये दोनों जो है एक ही प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे इसका आंसर भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद चौदहवा प्रश्न देखते हैं। तो चौदहवा प्रश्न में देखो, भारत एक समृद्धशाली देश है जिसके निवासी निर्धन है, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो देखो क्यों निर्धन है इसका वर्णन करना है। तो तीव्र जनसंख्या के कारण, यहाँ पे अंदर में लिखा बेरोजगारी कारण, गरीबी के कारण, ठीक है। ये अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि इन्हीं के शब्दों में। तीव्र जनसंख्या क्यों हो रहा है, आपको पता है बेरोजगारी क्यों बढ़ी है, गरीबी क्यों है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन के अपूर्ण दोहन है, निम्न स्वास्थ्य स्तर है, ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। फिर यहाँ पे देखो, अथवा लिंगानुपात के आरेख को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे लिंगानुपात दिया हुआ, ठीक है। इसके आरेख को देखना, जो जो टॉपिक यहाँ पे पूछा है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक। चलो यहाँ पे हो गया, अब आगे मैं आपका और प्रश्न दिखाता हूँ। चलो आगे मैं दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट है ना, कहाँ से देखना है, ग्यारह प्रश्न। मिट्टी के नवीनीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो देख सकते हो ये सारे प्रश्न आपको याद करने, मतलब क्या क्या उपाय। तो देखो खेतों के चारों ओर मेड़ बनाई जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद करने, जो टॉपिक मैं दे रहा हूँ, जो प्रश्न दे रहा हूँ वो सभी। फिर अथवा मैं देखो, महिला की बेहतर शिक्षा के लिए और क्या क्या उपाय करने चाहिए, अपने विचार में लिखो। तो ये रहा, ठीक है। बारहवां प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध का जनसामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा, और युद्ध का जनसामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो ये प्रश्न, इसके आंसर भी देख सकते हो यहाँ पे है, ठीक है। कुछ टॉपिकों में दिया हुआ है। फिर इसके अथवा प्रश्न देखो, वर्षा की संधि वाला है, किन किन राज्यों के मध्य हुई, इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या है, इसका भी आंसर यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी पूरा आपको याद करने हैं। फिर पन बिजली और ताप विद्युत में क्या अंतर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप देख सकते हो, इसमें दोनों का उत्तर बताया गया, ठीक है। मतलब पन बिजली और ताप विद्युत। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ राष्ट्रवाद, अथवा में देखो राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में क्या अंतर है, आपको दिखाई देता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको याद करने हैं। फिर है, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, भारत में जनसंख्या के घनत्व में इतनी अधिक विविधता क्यों पाई जाती है, ठीक है। तो चौदहवा प्रश्न है, इसका अथवा भी देख सकते हो यहाँ पे, चौदहवा का अथवा लगा हुआ है। भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की तीन प्रमुख घटनाएं लिखी है, ठीक है। तीन प्रमुख घटनाएं लिखना है, ये वाला टॉपिक आपको याद कर लेना है, ठीक है। तीन प्रमुख घटनाएं यहाँ पे दिया हुआ है। चलो आगे दिखाता हूँ, अगला दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको याद करने हैं, ग्यारहवा में दिखो, प्रतिदिन कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर इसी में आपको मैं दिखाता हूँ, देखो प्रतिदिन उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पे देखो कागज़ के टुकड़े के रूप में, ठीक है, चाय पत्ती है, फिर सब्जियों के छिलके हैं और वृक्षों के पत्तियाँ हैं। तो इसका कैसे उपयोग करना है यहाँ पे बताया गया, इसके अंदर में आपको ये चीज़ याद करना है, क्योंकि चार नंबर का प्रश्न है, चार नंबर के लायक आपको लिखना होगा। फिर आर्थिक विकास से आप क्या, आर्थिक विकास से
आपका क्या अभिप्राय है, किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए किन किन मानक मापक सूचक का प्रयोग किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो देख सकते हो ये सब सूचक है, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, शिशु मृत्यु दर है, साक्षरता है और निवल उपस्थिति अनुपात है। तो ये सभी इसके अंदर में, इस सभी को आपको याद करने हैं। चलो आगे देखते हैं 12वां प्रश्न। 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुई युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तीन यहाँ पे कारण दिया हुआ है, इन सभी कारणों को आपको मतलब याद करने हैं, यहाँ पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे दिखाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध के पाँच कारण बताइए, ठीक है। पाँच कारण लिखना है आपको, तो देखो यहाँ पे क्या है, चार कारण दिया हुआ है, फिलहाल यहाँ पे पाँच नहीं है, तो ये पाँच पूछेगा, चार नंबर के में चार ही पूछेगा, पाँच तो पूछेगा नहीं, तो आपको चार कारण को लिखना है, तो ये चारों कारण आप याद कर लेना। फिर सरकारी बजट से क्या आशा है, इसमें से किन किन बातों का विवरण बातों की विवरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर देख सकते हो, ये रहा इसका आंसर, और इसके जो अथवा है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कर संग्रह का सीधा प्रभाव सरकार के खर्च पर कैसे पड़ता है, तो ये देख सकते हो इसका आंसर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, तो कैसे पड़ता है। फिर है यहाँ पे 14वां प्रश्न, देखो योजनाबद्ध विकास के कारण सरकार की ताकत में वृद्धि कैसे हुई, तो देखो सरकार की ताकत में वृद्धि कैसे हुई, ये रहा टॉपिक, ठीक है। तो इस पूरे आंसर को आपको याद करना है, और फिर जमींदारी प्रथा की समाप्ति कहाँ तक लाभदायक रही है, तो इसको भी आपको याद करने हैं, ठीक है। जल्द से जल्द मैं सभी चीज़ों को कंप्लीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो। चलो आगे देखते हैं, फिर और कुछ IMP प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ यहाँ पे चार नंबर क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। चार नंबर क्वेश्चन में चार प्रश्न आएंगे, तो चार प्रश्नों में मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोवाइड करा रहा हूँ। संसाधन प्रबंध के प्रमुख उपायों की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये रहा इसके उपाय क्या है, वैकल्पिक संसाधनों पर जोर है, संसाधनों का नवीनीकरण करना है, फिर तीसरा संसाधनों का समुचित विकास, इसके अंदर टॉपिक लिखा, इसको याद करना है आपको। फिर अथवा यहाँ पे एक अनुच्छेद लिखिए कि भारत को कैसे विकसित किया जाए, ठीक है। ये रहा इसके अथवा को आपको ये वाला आंसर यहाँ पे लिखना है। फिर बारवा देखो, वर्षाय की संधि से जर्मनी को क्या हानि उठानी पड़ी, ठीक है, क्या हानि उठानी पड़ी, यहाँ पे देख सकते हो। तीन राजवंशों की समाप्ति कर दिया, फिर है सामाजिक परिणाम है, सैन्य प्रवृत्ति का प्रबल होना है, अमेरिका के महत्व में वृद्धि है, अल्पसंख्यकों की समस्या है, तो ये सब चीज़ें इसके आंसर में आपको लिखना है, इसके अंदर वाले टॉपिक को भी आपको याद करने हैं। फिर तेरवा देखो, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो क्या क्या कारण है, कच्चा माल है, यातायात की सुविधा है, पूंजी है, प्रशिक्षित श्रमिक है, तैयार माल की मांग है, ठीक है, ये सारे चीज़ें आपको याद करने हैं। फिर यहाँ पे अथवा एक लोकतंत्र और फांसीवादी तानाशाही में आप क्या फर्क देख पा रहे हैं, ठीक है, जिसको लिखना है, तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी है, तो यहाँ पे इसके आंसर ये रहा, ठीक है, इसको आपको याद करने हैं। फिर आपको मैं आपको दिखा देता हूँ अथवा प्रश्न, संविधान निर्माण प्रदेश पुनर्गठन योजना आयोग व विदेश नीति के आधारों पर प्रथम प्रधानमंत्री की भूमिका व योगदान स्पष्ट कीजिए। तो देखो संविधान निर्माण है, प्रदेश पुनर्गठन है, योजना आयोग की भूमिका है, विदेशी नीति है, तो ये सब के सब आपको याद करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे चार नंबर वो सारे मैंने IMP के तौर पर आपको प्रोवाइड करा दिया है, तो आप इन सभी प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लेना।